हेलो फ्रेंड्स, दाना पानी भी सुधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बर्गर, जो बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है। साथ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिक्की चाट। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले उबला हुआ 3 आलू लिए हैं। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद इसके ऊपर हम पोहा डालेंगे। 2 बड़े चम्मच पोहा डालेंगे। पोहा को हमने अच्छे से भिंगो के फुला लिया था। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर और पोहा डालने से टिक्की का क्रिस्पनेस बढ़ जाता है। हमारा टिक्की बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा अच्छे से डो तैयार हो गया। टिक्की जैसा आप बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा ले, छोटा रखना चाहते हैं छोटा लेके इस तरह से राउंड करें, बॉल्स बनाएं और चिपटा कर लें। टिक्की हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारा टिक्की तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ टिक्की को फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैं पैन में तेल रखी हूँ और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। टिक्की को हम एक एक करके डालेंगे। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ टिक्की को, क्योंकि डीप फ्राई करने से टिक्की ज़्यादा क्रिस्पी होता है। अगर आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं छोले चाट वाली रेसिपी में मैं टिक्की को सेलो फ्राई की हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हाई रख के फ्राई करें टिक्की को। ये हमारा टिक्की अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। टिक्की हमारा फ्राई होके रेडी हो गया है। अब मैं बर्गर को भी फ्राई करूंगी। इसी पैन में मैं बर्गर को भी फ्राई करूंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हाई रखेंगे। बर्गर को हल्का में फ्राई करूंगी। मैं बर्गर बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ। डीप फ्राई करने से बर्गर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। बिल्कुल मैं स्ट्रिक स्टाइल में बर्गर बना के रेडी करूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। ये हमारा बर्गर फ्राई होके रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, बीच से इस तरह से कट कर लूँगी। इसे पूरा नहीं अलग करना, हल्का सा मैं ज्वाइंट ही रखूँगी। बर्गर को बीच से काट के हम रेडी कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इधर मैं हरी चटनी ली हूँ। हरी चटनी को बर्गर बन में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ प्याज और टमाटर को स्लाइस में काट के रखी हूँ, पतले पतले स्लाइस में। इसको हरी चटनी के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम टिक्की रखेंगे। टिक्की के ऊपर टमाटर रखेंगे। अगर आपके पास बंधा गोभी या फिर खीरा हो तो वो भी आप रख सकते हैं। अब मैं यहाँ चाट मसाला डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी मैंने पापड़ी चाट वाले वीडियो में डाल रखी हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा बर्गर बन के रेडी हो गया है। इसके ऊपर टूथपिक लगा देंगे ताकि ये एक साथ रहे। बर्गर हमारा बन के रेडी हो गया। यहाँ देखिए टिक्की हमारा कितना क्रिस्पी हुआ है। अब मैं इसी टिक्की से टिक्की चाट बनाऊंगी। हमारे यहाँ स्ट्रिक स्टाइल में इसी तरह से टिक्की चाट मिलता है, तो चलिए टिक्की चाट बनाते हैं। टिक्की तो हमारा रेडी है, बस चाट बनाना है। इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, हरी चटनी, बारीक कटा हुआ प्याज,
चाट मसाला। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिक्की चाट हमारा बनके रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी जरूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय।